गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आप लोग का इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 को बताएंगे। जो क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार बंत लिखना है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, प्रथम पद के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रथम पद के लिए लिखते हैं ए और सार अंतर के लिए क्या लिखते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस के लिए लिखते हैं डी। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 3, 1, -1 और माइनस में 3। देखिए दोस्तों, बोलते हैं कि जो पहला पद होता है यही क्या होता है, प्रथम पद होता है। जो पहला सूची में जो संख्या होती है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रथम पद जिसको हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, ए से, ए बराबर कितना हो गया, 3। अब हम लिखेंगे सार्व अंतर। तो दोस्तों सार्व अंतर बराबर सूत्र क्या होता है कि दूसरे डी, यानी कि दूसरा पद माइनस में पहला पद, यानी कि क्या हो जाएगा कि टी टू माइनस में टी वन। तो टी टू का मान कितना है, 1, और टी वन का मान कितना है, 3। तो 1 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा दोस्तों, माइनस में 2, यानी कि इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा, तो सार्व अंतर हो जाएगा माइनस में 2। सेम यही क्वेश्चन है आप लोग का 2, 3 और 4, मतलब सेम का सेम यही कंडीशन है। मतलब सबका क्या होगा कि इसी तरीका से आप लोग का क्वेश्चन नंबर टोटल 3 का बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में दिया है, जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर और उसका 3 पद लिखो। इसका मतलब देखिए कि यहाँ पर 1 का मान दिया है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8 और 16। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है इसके लिए चेक क्या करते हैं हम कि इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर क्या होना चाहिए बराबर। तो ए का मान तो पहले दिया है 2, तो पहले हमें यहाँ पर निकालेंगे सार्व अंतर। एक या दो सार्व अंतर निकालेंगे तो पता चल जाएगा, इसे डी वन निकालते हैं तो क्या सूत्र हो जाएगा, टी टू माइनस में टी वन। तो टी टू का मान कितना है, 4, और टी वन का मान है 2, ये 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2। उसके बाद देखिए सार्व अंतर डी टू निकालेंगे, तो डी टू के लिए क्या करेंगे, टी थ्री माइनस में टी टू। तो टी थ्री का मान कितना है, 8, और इसका मान कितना है, 4, यानी कि 8 में से 4 बचेगा कितना बचेगा, 4। उसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे डी थ्री में चलते हैं, तो डी थ्री के लिए क्या होगा दोस्तों कि टी फोर माइनस में टी थ्री, इसका मतलब टी फोर का मान कितना है, 16। तो 16 में से 8 को माइनस करने कितना बचेगा, 8। इसका मतलब देखिए कि इसका जो भी सार्व अंतर है, 1, 2 आ रहा है, 1, 4 आ रहा है, 1, 8 आ रहा है, इसका मतलब बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यह सूची 1K+1-1K रूप में नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। उसी पर चल देखिए, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 2, 5/2, 3 और 7/2। देखिए दोस्तों, ये तो हुआ आपका दूसरा, ए का मान हो गया 2, और तो पहले हम डी वन निकालेंगे सार्व अंतर। तो डी वन सार्व अंतर क्या होगा कि टी टू माइनस में टी वन, तो टी टू का मान है 5/2 और माइनस में 2। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 5/2 में पूरा कैल्शियम 2, और 2 के 4, मैंने कि 5 में 4 घटेगा 1/2। उसके बाद चलेंगे हम डी टू के लिए, तो क्या करेंगे, टी थ्री माइनस में क्या होगा, टी टू। तो क्या करेंगे, टी थ्री का मान है 3 और माइनस में क्या हो जाएगा, 5/2। देखिए 3 2 के 6
माइनस में पांच बटा में दो, इसका मान कितना आ गया एक बटा में दो। इसका मतलब देखिए इसका सार्व अंतर क्या है, बराबर है, यानी कि यह सूची एपी में है। अब देखिए अब बोल रहा है कि इसका तीन पद और निकालना है, मतलब एक पद दो पद तीन पद चार पद दिया है, अब निकालना है इसका पांचवा पद छठवां पद और सातवां पद। देखिए पांचवा पद के लिए क्या लिखते हैं हम, तो ए प्लस में फोर डी, छठवां पद के लिए ए प्लस फाइव डी, और सातवां पद के लिए क्या लिखेंगे ए प्लस छ डी। देखिए ए का तो मान दिया है यहाँ पर दो, और प्लस में क्या हुआ चार, और डी का मान कितना आ रहा है वन बटा में दो, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा दो दूनी का चार, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों तो चार। उसके बाद देखिए इसका मान छ का, ए का मान है दो प्लस में फाइव वन बाई टू, यानी कि दो प्लस पांच बटा दो, तो दो दूनी का चार पांच कितना हो जाएगा नौ, नौ बटा में कितना हो जाएगा दो। इसका मान देखिए छवा पद कितना हो जाएगा, तो दो प्लस में छ गुणे एक बटा में दो, तीन दूनी का छ और तीन या दो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा पांच। इसका मतलब कि इसका जो प्रथम पद आया, यहाँ पर लिख दे रहे हम, प्रथम पद जो आया इसका पांचवा पद आया, तो पांचवा पद आ गया चार, छठवां पद आ गया नौ बटा में दो, और सातवां पद आ गया पांच। तो यही आप लोग का वीडियो को इस हम को लास्ट मतलब इंड कर रहे हैं, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन इसी मेथड से बनेगा, और जहां पर आप लोग का जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो रहा है उसको फिर से हम यूट्यूब पर इसका अपलोड कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, इसलिए आप लोग को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।